ये तो हम सब जानते हैं कि एक न एक दिन इस दुनिया का अंत होना तय है, लेकिन कयामत का दिन कब आएगा इसके बारे में कोई नहीं बता सकता। अगर इंसान अपने पैरों पर खुद भी कुल्हाड़ी ना मारे तो भी उसका विनाश होना निश्चित है। ऐसी कई कुदरती घटनाएं हैं जिससे ज्यादातर प्रजातियां लुप्त हो सकती हैं। ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि मनुष्य जाति का विनाश सुनामी, अर्थक्वेक, ग्लोबल वार्मिंग, वर्ल्ड वॉर 3 जैसी घटनाओं से होगा, लेकिन वास्तव में मानव जाति का अंत 150 प्रकार में से किसी भी प्रकार से हो सकता है। तो आज हम इन्हीं में से हाई पॉसिबिलिटीज होने वाले 10 कुदरती घटनाओं के बारे में बताएंगे, जिसको जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो 10वें नंबर पर है एस्ट्रॉइड इंपैक्ट। इंसानों से पहले इस पृथ्वी पर डायनासोर्स डोमिनेटिंग स्पीशीज हुआ करते थे, लेकिन केवल एक एस्ट्रॉइड मेक्सिको प्रांत पर डिकोड करने के बाद डायनासोर्स के साथ 90% स्पीशीज का अस्तित्व इस पृथ्वी पर से खत्म हो गया। ये एस्ट्रॉइड मंगल और बुध ग्रह के बीच करोड़ों की संख्या में मौजूद है। नॉर्मली हर 2.5 लाख साल बाद हाफ माइल जितना बड़े आकार का एस्ट्रॉइड हमारी धरती से टकराता है। अगर 5 माइल जितना बड़ा एस्ट्रॉइड हमारी धरती से टकरा गया तो हिरोशिमा और नागासाकी में हुए परमाणु हमले से 10 लाख गुना ज्यादा तबाही होगा और इससे पृथ्वी पर रहने वाले जीवों का नामोनिशान मिट जाएगा। 9वें नंबर पर है सोलर स्टॉर्म। जब सूरज में विस्फोट होता है तब ये हाई इंटेंसिटी सोलर फ्लेयर्स फॉर्म होते हैं। उस समय निकलने वाला हीट एक वेव के आकार में पूरे सोलर सिस्टम में पास होता है। इन केस अगर ये वेव हमारी पृथ्वी से टकरा गया तो उस हीट को हम सह नहीं सकेंगे। रिसेंटली 2012 में ये फेनोमिनन हुआ था, लेकिन उस समय वो वेव हमारी पृथ्वी से कुछ दूरी से निकल गया। तो 8वें नंबर पर है सुपरनोवा। ये किसी तारे के भयंकर विस्फोट से निकलने वाली जबरदस्त ऊर्जा है। अपने यूनिवर्स में कोई भी तारा अगर एक्सप्लोड होता है तो वो हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गामा रेडिएशन एमिट करता है। ये रेडिएशन इतना पावरफुल है कि अगर एक्सप्लोजन हमारी पृथ्वी से 40 लाइट ईयर दूरी पर भी हो तो इससे धरती पर एक भी जीव जीवित नहीं बचेगा, क्योंकि ये रेडिएशन हमारी पृथ्वी पर मौजूद ओजोन लेयर को कंप्लीट तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर क्या होगा ये तो हम सब जानते ही हैं। बगैर ओजोन लेयर के जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। 7वें नंबर पर है सूरज का फैलना। सूरज एक ऐसा तारा है जिससे हमें धरती पर जिंदगी मिली है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि अब से ठीक 5 अरब साल बाद सूरज का फैलना शुरू होगा। सूरज में मौजूद कोर हाइड्रोजन समाप्त होने के बाद सूरज का विस्तार होने लगेगा और करीब 50 करोड़ साल के बाद आज के मुताबिक सूरज 200 गुना बड़ा और 10,000 गुना ज्यादा चमकदार हो जाएगा और हमारी पृथ्वी इसके चपेट में आकर शुक्र ग्रह से भी ज्यादा गर्म हो जाएगी और पृथ्वी पर मौजूद हर चीज जलकर राख हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो जिंदा रहने के लिए एक ही रास्ता हो सकता है कि हम किसी दूसरे प्लेनेट पर जाकर बस जाएं, जो हम इंसानों के रहने के काबिल हो। 6ठे नंबर पर है ब्लैक होल्स। हमारे ब्रह्मांड में 1 करोड़ से भी ज्यादा ब्लैक होल्स मौजूद हैं। इस ब्लैक होल्स में हाई ग्रेविटेशनल फोर्स होने के कारण कितना भी बड़ा ग्रह उसके सामने आ जाए तो भी उसे निगल लेता है और ये ब्लैक होल्स हमारी पृथ्वी तक आने की जरूरत नहीं है। अगर ये ब्लैक होल्स हमारे सोलर सिस्टम से 30 लाइट ईयर दूरी से भी गुजरा तो काफी है। इससे हमारी धरती का पूरा ऑर्बिट ही चेंज हो जाएगा। अगर ऐसा भी हुआ तो पूरा पृथ्वी बर्फ के चादर में ढक जाएगी या फिर आग के गोले में तब्दील हो जाएगी। 5वें नंबर पर है सुपर वोल्केनो यानी के ज्वालामुखी। इस पृथ्वी पर 1500 से भी ज्यादा वोल्केनोस मौजूद हैं। इनमें से 4 को ही सुपर वोल्केनोस कहा गया है। सुपर वोल्केनोस नॉर्मल वोल्केनोस से 1000 गुना पावरफुल होते हैं। इनकेस ये सुपर वोल्केनोस एक्सप्लोड हुए तो केवल कुछ ही सेकंड्स में लाखों लोग मारे जाएंगे। इस घटना में एक गुड न्यूज और एक बैड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि सुपर वोल्केनो 6 लाख सालों में एक बार ही एक्सप्लोड होता है और बैड न्यूज ये है कि अमेरिका में मौजूद येलोस्टोन सुपर वोल्केनो एक्सप्लोड होकर ऑलरेडी 6,30,000 साल हो चुका है और वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया है कि पिछले 10 सालों में इस वोल्केनो में पहले के मुताबिक ज्यादा हलचल देखी गई है। सो ये वोल्केनोस कब एक्सप्लोड होगा अभी भी एक सस्पेंस बना हुआ है। तो 4थे नंबर पर है एलियंस। साइंटिस्टों के द्वारा कई सारे थियोरीज को लेकर एलियंस के होने का दावा किया जा रहा है। अगर सपोज एलियंस हमारी धरती पर मौजूद रिसोर्सेस को इस्तेमाल करने के इरादे से आ भी जाए तो हम उन्हें रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास मौजूद एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण वो हमें ही नष्ट कर देंगे।
या फिर वो हमसे फ्रेंडली तरीके से बिहेव करे तो भी उनके साथ आए आउटर स्पेस जम्स उन पर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके हम पर लीथली तरीके से एक्ट करेंगे, तो ऐसे में भी हमें ही नष्ट होना होगा। तो तीसरे नंबर पर है बायोटेक डिजास्टर। इस समय नॉर्मल तरीके से फॉर्म होने वाले वायरस एक जगह पर हैं तो कुछ देशों में बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लीथल वायरस को बनाया जा रहा है, जिसे बायो वेपन भी कहते हैं। अभी का जो ये कोरोना वायरस फैला है, ये भी एक प्रकार का बायो वेपन ही कहा गया है, जिसका प्रोसेस पूरा होने से पहले ही लीक हो गया। ये बायो वेपन इतने घातक किस्म के रासायनिक केमिकल होते हैं, जिससे अगर मौत नहीं आई तो इंसान ज़ॉम्बीज़ में बदल जाएंगे, और ऐसा लग रहा है कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। तो दूसरे नंबर पर न्यूक्लियर वॉर। प्रेजेंट इस दुनिया में 9 देशों के पास 13,000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स मौजूद हैं। अगर इस समय कोई भी देश एक्सीडेंटली न्यूक्लियर बॉम्ब लॉन्च भी कर दे तो कुछ ही मिनट्स के अंदर हर एक देश से न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च कर दिया जाएगा, और फिर केवल कुछ ही क्षणों में इस पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। तो नंबर एक पर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्रेजेंट में हमारी टेक्नोलॉजी की डेवलपिंग स्पीड को कैलकुलेट करे तो आने वाले 30 सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस को क्रॉस कर देगा। ऐसा होने के बाद कुछ दुश्मन देशों को अगर ये टेक्नोलॉजी मिल गया तो क्या होगा? जस्ट इमेजिन, हर वक्त हमारे अगल बगल वेपन्स मौजूद होंगे और किसी एक के हाथों में सभी के माथों पर गन पॉइंट होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा घटना पहले होगा? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करिए, और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलता हूँ किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दिस इज रामानंद साइनिंग ऑफ। बाय।